नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मूला टैब के फॉर्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन ऑप्शन के बारे में, जिसमें आप सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे ट्रस्ट प्रेसिडेंट का है। इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का यूज़ करते हैं और कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लस करा लेते हैं, यानी उसका सम करा लेते हैं। तो हमने कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर लिया और उसके बाद हमने तीनों वैल्यूज़ का सम करा लिया। सम करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इन सभी तीनों वैल्यूज़ का टोटल आ चुका है। अब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इस वैल्यू का टोटल किन किन वैल्यू से लिया गया है, यानी किन किन वैल्यू को जोड़ करके इसमें इसको सम किया गया है। तो इसके लिए हम जैसे यहाँ पर ट्रस्ट प्रेसिडेंट का यूज़ करेंगे तो यहाँ हमें बता देगा कि किस किस वैल्यू का इसमें हमने यूज़ किया है। इसी तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सम का हो, मिनिमम का हो, मैक्सिमम का हो, आप किसी भी फॉर्मूला का यूज़ करके आप ट्रस्ट प्रेसिडेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रस्ट डिपेंडेंस। इसका बिल्कुल अपोजिट यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं इन एरोज़ को, और यहाँ पर हम किसी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं जिस वैल्यू का यूज़ हमने यहाँ भी किया है और जिस वैल्यू का यूज़ हमने यहाँ भी किया है, यानी हमने यहाँ पर भी सम का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रस्ट डिपेंडेंस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस 80 का यूज़ यहाँ पर भी किया गया है और इस 80 का यूज़ यहाँ पर भी किया गया है। तो ये इसका बिल्कुल अपोजिट काम करता है। तो इस तरीके से आप ट्रस्ट प्रेसिडेंट और ट्रस्ट डिपेंडेंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो रिमूव एरो है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर इन एरोज़ को आपको रिमूव करना है तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एरो हमारे रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद का नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे शो फॉर्मूला का ऑप्शन है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जिस भी सेल के अंदर जो जो फॉर्मूले लगे हुए हैं वो सभी फॉर्मूले आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे वापस से ये हाइड हो जाएंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एरर चेकिंग है। एरर चेकिंग का मतलब मान लीजिए कि हम किसी फॉर्मूले को एडिट करते हैं और यहाँ पर फॉर्मूले को गलत करके एंटर प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एरर हमारे सामने शो हो जाता है नेम्स का। तो इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं और इस एरर को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारे सामने एरर चेकिंग का। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे एरर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। यहाँ से अगर आप इसे इग्नोर करना चाहते हैं, शो कैलकुलेशन स्टेप्स को देखना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से इसको सम किया है या कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, एनोटेट कर सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बताएगा कि आपका फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ किया जाता है। इसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए और यहाँ पर आप इग्नोर करना चाहें इग्नोर कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो फॉर्मूले को क्लिक करके यहाँ पर आप फॉर्मूले के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, यानी फॉर्मूले को करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एरर चेकिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा ट्रेस एरर का। ट्रेस एरर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें ट्रेसिंग दिखा देगा, यानी उस सेल पर आपको क्लिक करके रखना होगा जिसमें एरर आ रहा है, और जैसे आप यहाँ से ट्रेस एरर पर क्लिक करेंगे तो ट्रेसिंग करके बता देगा कि आपके फॉर्मूले में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ों को ऐड किया गया है और क्या क्या चीज़ें इसमें रॉन्ग की गई हैं। तो इसको आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं और इसको रिमूव करने के लिए आपको यूज़ करना होगा रिमूव एरोस का। तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन आप देखेंगे वो है हमारा एनवेट फॉर्मूला का। तो एनवेट फॉर्मूला हमारा किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसके लिए हम किसी भी फॉर्मूले को क्लिक करेंगे, या मान लीजिए हमने इसी फॉर्मूले को क्लिक किया। इस फॉर्मूले को क्लिक करने के बाद हम एनवेट फॉर्मूले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमें बताएगा कि हमने किस किस सेल का यूज़ किया है और इस टोटल को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हम सबसे पहले आप देखेंगे E5 है। तो E5 हमारा क्या है, E5 हमारा सेल ये एड्रेस है, यानी 91 है, जिसको यहाँ पर इसने रिप्रेजेंट करा रखा है। जिसे हम इसे एनवलेट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करा देगा। उसके बाद फिर से एनवलेट करेंगे तो आप देखेंगे 80 को भी रिप्रेजेंट करा देगा, और उसके बाद फिर से एनवलेट करेंगे तो उन दोनों को इसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और उसके बाद वापस से एनवलेट करेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेल है उसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा, और उसके बाद जैसे हम एनवलेट करेंगे तो टोटल वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने रिस्टार्ट किया वापस से, तो सबसे पहली वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर E5 है। तो E5 आप देखेंगे यहाँ पर E5 हमारे पास कहाँ है, तो E5 हमारा ये रहा 91। एनवलेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 91 शो हो गया। इसके बाद F5 है। F5 कौन सा है हमारा, तो F5 हमारा 91 के जस्ट बगल में 80 है। तो इसको जैसे एनवलेट करेंगे तो आप देखेंगे 80 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट फिर से एनवलेट करेंगे। एनवलेट करने के बाद इसने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 171 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद G5 है, तो G5 हमारे पास कौन सा है, 94 है। तो इसको एनवलेट करेंगे, देखिए 94 आ गया। और उसके बाद जैसे आप इसे एनवलेट करेंगे तो इन दोनों को इसने टोटल करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं एनवलेट फॉर्मूले को। यहाँ पर स्टेप इन भी यूज़ कर सकते हैं और स्टेप आउट का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्टेप इन का मतलब होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाया गया है, और स्टेप आउट का मतलब उसका रिजल्ट कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा वॉच विंडोज का। वॉच विंडो क्या काम करता है, किसी भी डेटा को यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमने इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद वॉच विंडो पे क्लिक किया,
वॉच विंडो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर में एक ऑप्शन होगा एड वॉच का। इस एड वॉच पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, और जैसे यहाँ पर इसे ऐड कराएंगे तो आप देखेंगे हमारा जितना भी डेटा था वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ डिफाइन नाम से हमने शीट को सेव किया हुआ है, तो डिफाइन नेम यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद शीट नंबर 1 है जिसके अंदर हमने ये शीट का यूज़ किया है। B3 हमारा क्या है, सेल एड्रेस है, और उसके अंदर कमल हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, वैल्यू है, और उसके अंदर कोई फॉर्मूला यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे डिफाइन नाम की शीट है, शीट नंबर 1 है जिसके अंदर H2 नाम का सेल एड्रेस है, और उसके बाद नेम का है, नेम का हमारा एरर आ रहा है, और उसके बाद उसका जो क्या नाम है फॉर्मूला है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वॉच विंडो का जो बेसिकली यूज़ होता है वो बताता है कि हमने शीट कौन सी यूज़ की है, बुक कौन सी यूज़ की है, नेम कौन, सेल का नाम क्या है, उस सेल का एड्रेस क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो ये सब कुछ हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करा देता है। तो इस तरीके से आप इसकी वॉचिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे यहाँ पर क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन वाला जो ऑप्शन है वो बेसिकली हमने ऑटोमेटिक पे सेट किया है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पे ही रहता है। इसके बाद अगर हम इसे मैनुअल करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए मैं सबसे पहले फॉर्मूले को वापस से करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम फॉर्मूले को फिर से क्लियर कर लेते हैं और एक नया फॉर्मूला फिर से यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद मैं इसका यूज़ आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब ये कि यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू अगर चेंजेस करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी 63 है, इसको हमने 60 कर दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू हमारी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई। तो अब बेसिकली अगर इसको मैं मैनुअल कर दूं तो क्या होगा, हम यहाँ पर ऑटोमेटिक पे जाते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया इसको मैनुअल। मैनुअल करने के बाद अगर मैं अब इसको यूज़ करता हूँ यानी चेंज करता हूँ, और मैंने इसको टाइप किया 555 और एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे वहाँ पर वैल्यू वही है जो कि हमारी कैलकुलेट नहीं हुई। पहले हमने जो भी वैल्यू चेंज की थी वो ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर दिया था, और अब जो वैल्यू मैं यहाँ पर चेंज करूँगा वो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पर मैनुअल पे सेट कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका कैलकुलेट नाउ का। तो जैसे आप कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी चेंजेस जहाँ जहाँ की होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेटअप हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमने 55 सेट किया था, तो इस पर जैसे हम कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो हमारी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अब बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन है कैलकुलेट शीट का, तो कैलकुलेट शीट का जो यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने पूरी शीट में जगह जगह पर कोई भी चेंजेस कर लिए है, और जगह जगह पर जो भी चेंजेस आपने की है, अगर आप एक बार में ही क्लिक करेंगे कैलकुलेट शीट पर, तो जितनी भी आपकी शीट के ऊपर आपने एडिटिंग की होगी वो सारी की सारी अपडेट हो जाएगी। कैलकुलेट नाउ बेसिकली जो हमने एडिटिंग किया है रिसेंटली डेटा के अंदर, ये उस पर काम करता है, और कैलकुलेट शीट पूरे ऑल डेटा यानी ऑल शीट पर वर्क करता है। तो यही बेसिकली यूज़ था, इसे हम बेसिकली ऑटोमेटिक रखते हैं। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें मैनुअल कैलकुलेशन करना होता है, तो उस सिचुएशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा फॉर्मूला टैब के बेहतरीन 2 फंक्शंस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।